मुंबई के मलाड मालवनी वार्ड क्रमांक 49 के निवासी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मामला यह है कि 3 मतदान केंद्र थे जिसमें कुल 11,000 मतदान हुआ, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 300 मत बताए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि या तो ईवीएम मशीन खराब थी या विपक्षियों द्वारा कुछ घोटाला किया गया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि फिर से चुनाव किया जाए, और इसके लिए वह चुनाव आयोग को भी पत्र लिखेंगे। वार्ड क्रमांक 49 कमलबाई लोंढे आमच्या मतदान गद्दारी केली निवर्ती गाडले आमच्या मतदान गद्दारी केली। आम्हाला दुसऱ्या मत पाहिजे, म्हणजे आमचं इलेक्शन झालं पाहिजे। इलेक्शन पाहिजे म्हणजे पाहिजे। चोरी करली आहे, कोई चोरी किया, अधिकारी चोरी किया, मशीन ने कुछ फॉल्ट किया, इसलिए खराब हो गया। हमारा इतने साल वोट गया, इतना वोट नहीं, हमें राष्ट्रवादी वोट गया का, हमको राष्ट्रवादी में वोट चाहिए, हमारे मशीन नहीं चाहिए, हमारे थप्पे नहीं चाहिए, हमारा चिट्ठी चाहिए, हमें कोई ये नहीं चाहिए कि हमें मशीन नहीं चाहिए, मशीन में गद्दारी है, हमको थप्पा मांगता है, हम थप्पे से हमने वोट करिए, हमको वोट रिटर्न डालना है। अंबेजवाड़ी में कम से कम तो हमसे 25,000 वोट आए, आणि 25,000 वोटामध्ये कम से कम मेरा नाम अमीना भी है, मैं पारदीवाड़ी में पारदीवाली में हूँ। देखो मेरे पारदी लोग कम से कम हम लोग 20 साल से रहते हैं इस जगह में, हम लोग का कोई पानी का सो नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं हम लोग का, और हम लोग का क्या है, इतना हमारे लोग के वोट डाले हैं तो अभी हमको क्या बोल रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा 207 वोट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो ये कुछ हम घड़ी को वोट दिए थे, ये हमारा पूरा पब्लिक, हम घड़ी को वोट दिए है। पारदी समाज के कितने वोट थे हमारे? पारदी समाज कम से पहला स्टार्ट में हम 20 साल पहले आए थे 500 थे, अभी कम से कम हमारे 2,000 तो होएगी हमारी पब्लिक। हम नाराज होएंगे ना, क्यों हमारा इतना पब्लिक है फिर हमारा इतना कम कैसा वोट आया? हमारा दूसरा वोटिंग क्या हो गया? हमको दोबारा होना, हमको वोटिंग दोबारा करने का है हमको। तो इसके लिए क्या करोगे आप? कल हम जाएंगे वहाँ तक, जाएंगे वहाँ हम लोग धरना करेंगे, हम लोग वहाँ तक जाएंगे, हम लोग ऊपर तक जाएंगे, भले हमारे को जो होने का हमारे साथ होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जितना भी घपला है सब मशीन का घपला है, और जो बैठे रहते हैं ना सब लोग, उन लोग ने घपला किया है। हम लोग कम से कम वन साइड थे, कम से कम 14-15 हजार वोट थे, तो हमारे वोट गए किधर? और 300 वोट आए कैसे? तो जो भी करेंगे हम लोग आंदोलन करेंगे और उधर धरना देंगे, हमें वापस से वोट चाहिए, हम लोग वापस वोट करेंगे, वो भी मशीन से नहीं, थप्पा मार के उसमें रहेगा चिट्ठी डाल के। ये गलत है, ये सब है ही नहीं है। हम लोग का जिधर देखो उधर यही अवस्था, घड़ी का अवस्था, और उसका सारी कथा किसी को आ ही नहीं सकता था। जितने भी हमारा वोट जितना गया, हम लोग का जितना वोट था 10-15 हजार वोट है वो वन साइड का, और हम लोग को वापस से वोट करने का चांस दे, नहीं तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, और नहीं कुछ भी रहेगा ना, कुछ भी हो वोटिंग करने नहीं देंगे। मेरे जितने भी है महिला, जितना भी मेरे अंबेजवाड़ी की महिला है, घोड़ी को वोट किया है, इसमें गद्दारी किया है सरकार ने, हमको जो करना है नारे लगाने का है ना, जितना भी उतना नारा हमारे हिम्मत है, हम लोग 20 साल से इस अंबेजवाड़ी में रह रहे, ऐसा न रह रहे, हमने जो वोट किया है घोड़ी को ही किया है, जितना भी महिला है, जितनी भी भाई है, और जितना भी मेरे भाई है और मेरे बंधु है, सरकार ने जो भी किया हम लोग से गद्दारी किया है। माझं नाव आहे डोंगरकर, वार्ड नंबर 49 मधून अंबुजवाडीला, या ठिकाणी आता मी अंबुजवाडीला उभा आहे। या अंबुजवाडी वार्ड मधून सारिका ग्रेसेस उभी होती, पहिली ती माझी नगरसेविका होती, माझी नगरसेविका असल्यामुळे त्याचा कार्यभार इकडे चांगला होता, चांगला असल्यामुळे कमीत कमी दानामध्ये या ठिकाणी 7-8 हजाराचं रिडिंग ती मिळून आली पाहिजे होती। इथून या ठिकाणावरून मोर्चा मी सारखा विषय ठेवतो आहे, पण या ठिकाणावरून पारदील बोला, जेबी मॉडे बोला, इतर समाजाची लोक बोला, या हिशोबाने आज जे तुम्ही माहोल बघताय त्या माहोलच्या हिशोबाने आज अंबुजवाडीमध्ये फक्त 300 वोट मिळून
देऊ शकतात का? हा सरळ सरळ म्हणजे धोका आहे. आणि आरोने आरोने शिवसेना भाजपाबरोबर मॅनेज होऊन कुठेतरी या बसूनमध्ये होड करून मोठा अन्याय आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीवरती अन्याय केलेला आहे. आणि त्या अन्यायाचा निवाडा मिळण्यासाठी आणि आम्हाला न्याय मिळण्यासाठी वेळ पडली तर आम्ही बीएमसीला धरना देऊ, पोलीस स्टेशनला धरना देऊ. यहाची ईपी नंबर काय? यहाची ईपी नंबर 20 पासून ते 26 केंद्र, 20 पासून म्हणजे टोटल 11 केंद्र आहेत. 11 केंद्रामध्ये 4 केंद्र आपली इथून केंद्र कमीत कमी टोटल केंद्र 11 आहेत. टोटल केंद्र 11 आहेत. 223 से लेकर 226 ईपी नंबर की लिस्ट है. 11,000 वोटिंग हुआ था. 11,000 वोटिंग के बाद आपके खाते में 300 ये वोट हुआ. 335 तो वोटिंग होनी नहीं चाहिए. हर हर केंद्र में अगर समझो जो 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 हिसाब से इधर राउंड खुल रहा था वो 50-60-40 ऐसा ही राउंड होता था. कम अज कम मेरे हिसाब में तो हमारे तो 300-400 के रीडिंग में होना चाहिए था हर ईपी में. अभी इसके बाद की क्या भूमिका? इसके बाद की जो भूमिका हमारी है, पहले हम निवडणूक अधिकारी को निवेदन देंगे. निवेदन देके वो लोग क्या निर्णय देते हैं देखेंगे. हमारा बोलना यही है कि निवडणूक अधिकारी को FIR लेना और री इलेक्शन तो होना ही चाहिए. अगर री इलेक्शन नहीं हुआ तो जिधर चाहे उधर हम धरना उपोषण करेंगे. अगर हो सके तो हम बीएमसी में घेराव डाल के बीएमसी का कांटेक्ट भी चलाने को देंगे और पुलिस स्टेशन में ठान मान के हमारे को जब तक निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते हैं. आप हमारा पूरा साथ देंगे और हम भाई के लिए लड़ेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे, हमारे वोट के लिए लड़ेंगे. सुबह 7 से लेकर 5 बजे के बीच में राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के तौर पर कितने वोट आपने वहाँ पर देखे? मैंने सुबह 7 बजे से कम 5:30 बजे तक मैं खुद अंदर थी, बाहर थी. मैंने खुद हैंडल किया कि मैंने इतना सोचा कि हमारी सीट होन साइड आ रही है, क्योंकि जितने हमारे पहचान के लोग थे सब मैं पहचान थी. अंबुजवाड़ी से लेके माला से लोग आज मेरे को अंबुजवाड़ी या माला रहने के 28 साल से मैं इधर रह रही हूँ. और मैं एक एक आदमी को जानती हूँ कौन कौन वोट डालने का और कुछ हमको वोट डाला ये सब मैं जानती हूँ. लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं गद्दारी हुई और हमें गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे.